जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे जीव अनंत संसार में परिभ्रमण कैसे करता है। आत्मसत्ता रूप से जीव स्वद्रव्य से नित्य रहता है। संसार यह जीव और अजीव की संयोग वियोगी अवस्था विशेष है, अतः संसार अपने रूप में कोई स्वतंत्र अस्तित्ववान द्रव्य नहीं है। जीव की अजीव पुद्गल पदार्थ के साथ संयोगी वियोगी अवस्था को संसार कहते हैं, अतः न तो संसार को किसी ने बनाया है और न ही आत्मा को किसी ने निर्माण की है, और आत्मा न तो बनती है और न ही बनाई जाती है, न ही इसका कोई कर्ता निर्माता है। जीव स्वयं अपने संसार का निर्माता है। वह अपने रहने के लिए पुद्गल परमाणु पदार्थ का देह रूप पिंड बनाकर उसमें रहता है, अतः जीव ही अपना शरीर बनाता है। इसी तरह नित्य अनित्य, उत्पन्न अनुत्पन्न, विनाशी अविनाशी, ऐसे जड़ चेतन दो द्रव्यों के संयोग विशेष का बना हुआ यह संसार चलता रहता है। संयोगी द्रव्य का ही वियोग होता है। जीव का देह के साथ संयोग व्यावहारिक भाषा में जन्म के हालात हैं, और मात्र अल्पकाल के लिए देह वियोग का व्यावहारिक भाषा में मृत्यु के कहते हैं, अतः जन्म मरण यह आत्मा और पुद्गल की मात्र संयोगी वियोगी अवस्था विशेष है। नियम यह है कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है, तथा जो उत्पन्न होता है उसका विनाशी अवश्य ही होता है। मृत्यु का अर्थ आत्मा का नाश नहीं है, परंतु मात्र आत्मा का देह के साथ कुछ काल का वियोग विशेष है। आत्मा अजर अमर एवं शाश्वत द्रव्य है। द्रव्य को उत्पाद व्यय ध्रोव्य युक्त द्रव्य कहते हैं। उत्पाद व्यय ध्रोव युक्तम सत, पर्याय स्वरूप से द्रव्य उत्पाद व्यय युक्त होता है और स्वद्रव्य के अस्तित्व से नित्य होता है। आत्मा स्वद्रव्य रूप अस्तित्व से नित्य है, परंतु जन्म मरण के पर्याय के कारण वह उत्पाद व्यय युक्त है। अमुक प्रकार की गति में जन्म लेकर नाम देहधारी आत्मा मनुष्य, पशु पक्षी देव नारकी आदि पर्याय कहलाती है। यह पर्याय जन्म से उत्पन्न होती है और मृत्यु से नष्ट होती है। जैसे सोने के गहने आभूषण की आकृति सैकड़ों बार बदलने के बावजूद भी सोना पर्याय रूप से उत्पन्न नष्ट होता हुआ भी अपनी मूलभूत धातु रूप से सदा ही नित्य रहता है, यानी द्रव्य रहता है, वैसे ही आत्मा भी मनुष्य पशु पक्षी देव नारकी आदि जन्म में नाम देहधारी पर्याय यानी आकृति विशेष से उत्पाद व्यय रूप होती हुई भी स्वद्रव्य रूप अस्तित्व से द्रव्य अर्थात अजर अमर शाश्वत नित्य एवं अविनाशी रहती है। अतः जन्म मरण की प्रक्रिया में आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन नाम गति जाति शरीर आदि का ही परिवर्तन मात्र होता है, अर्थात पर्याय बदलती है और आत्मा नित्य रहती है। इसी तरह इस आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण धारण किए हैं। आत्मा उत्पन्न द्रव्य न होने के कारण उसकी आदि न होने से अनादि अवस्था है। अनादि का से काल से आत्मा संसार में जन्म मरण धारण करती ही रहती है। अनंत जन्म मरण बीच बीत चुके हैं, इसी तरह काल भी अनंत बीत गया है। अतः अनादि अनंत काल से संसार की चार गतियों में परिभ्रमण करती हुई एवं 84 लाख जीव योनियों में जन्म मरण धारण करती हुई इस आत्मा ने अनंत अनंत भव बिता दिए हैं। अब जन्म मरण अनंता अनंत बीते हैं, तब स्वाभाविक है कि काल भी निश्चित रूप से अनंत ही बीता है। यद्यपि जन्म की संख्या का अनंतपना ज्यादा है,
यह काल के वर्षों की संख्या का अनंतपना ज्यादा है। अतः स्पष्ट ही है कि जन्म के बाद जीवन अमुक घंटों महीनों वर्षों का होता है। अतः भव्य संख्या की अपेक्षा काल की अनंत संख्या बहुत बड़ी है। हम सर्वज्ञ प्रभु को पूछें कि हमारी आत्मा को संसार में जन्म मरण करते हुए कितने वर्ष बीते हैं, तो इसके उत्तर में सर्वज्ञ प्रभु ऐसा फरमाएंगे कि वर्ष यह संज्ञा उत्तर देने में बहुत छोटा पड़ती है। वर्ष, युग, आरे, पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिनी, अवसर्पिनी, कालचक्र आदि संज्ञाएं इतनी छोटी पड़ती है कि वे भी कितने वर्ष बीते इसकी गिनती का सही उत्तर नहीं दे पाती है। अतः सर्वज्ञ प्रभु इसके उत्तर में अनंत पुद्गला वर्तकाल नामक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अब यह अनंत पुद्गला वर्तकाल क्या है, इसके विचार करें तब हम अनंत पुद्गला वर्तकाल समझ में आएगा। इसके लिए हम टाइम थियोरी काल पद्धति को समझेंगे। काल द्रव्य अजीव तत्व है। अजीव तत्व के 14 भेद में काल की गणना की गई है। यह प्रदेश समूह रूप अस्थिकाई न होने से पंचास्थिकाई में नहीं गिना जाता है। काल की गणना के आधार पर ही हम नए पुराने उम्र में छोटी बड़ी तथा भूत वर्तमान भविष्य आदि का व्यवहार करते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हुए काल की गणना छोटे से बड़ी संख्या होती जाती है। इस तुलना का स्पष्टीकरण निम्न किया जा रहा है। सूक्ष्मतम अविभाज्य काल, समय, असंख्य समय, एक आवलिका, 256 आवलिका का एक क्षुल्लक भव निगोद में, साधिका, 17 क्षुल्लक भव, एक श्वासोश्वास, 7 श्वासोश्वास, एक स्तोक, 7 स्तोक, एक लव, 38 लव, एक घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट, दो घड़ी 48 मिनट, 48 मिनट एक अंतर मौर, 3773 श्वासोश्वास, 65536 निगोद के शुल्लक भाव, 65536 शुल्लक भाव, 16 करोड़ 77,07,216 आवलिका, 16,77,07,216 आवलिका एक अंतर मुहूर्त, 30 मुहूर्त एक दिन, 15 दिन एक पक्ष, दो पक्ष एक महीना, दो मास एक ऋतु, तीन ऋतु 6 मास, 6 मास एक अयन, दो अयन एक वर्ष, 5 वर्ष एक युग, 10 वर्ष एक दशक, 100 वर्ष एक शतक, 1000 वर्ष एक सहस्त्र शताब्दी, 10 सहस्त्र शताब्दी 10,000 वर्ष, 1 लाख सहस्त्र शताब्दी 1 लाख वर्ष, 84 लाख वर्ष एक पूर्वाग, पूर्वाग प्लस पूर्वाग एक पूर्व, 17,560 अरब वर्ष। ऐसे 84 लाख पूर्व का ऋषभदेव भगवान का एक आयुष था। असंख्य वर्ष एक पल्योपम, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम एक सागरोपम, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो संख्या आती है उसे कोटा कोटी कहते हैं। 1 के अंक ऊपर 14 शून्य की संख्या जिसे शंकु कहते हैं वह कोटा कोटी कहलाती है। ऐसे 10 कोटा कोटि पल्योपम एक सागरोपम, 10 कोटा कोटि सागरोपम एक उत्सर्पिनी, 10 कोटा कोटि सागरोपम एक अवसर्पिनी, 1 उत्सर्पिनी और 1 अवसर्पिनी एक कालचक्र, 1 कालचक्र इज इक्वल टू 20 कोटा कोटि सागरोपम, अनंत कालचक्र एक पुद्गला वर्तकाल। ऐसे
अनंत पुद्गलावर्त काल ही जीव संसार का परिभ्रमण करता है। आरे का स्वरूप सुखम सुखम नामक पहला आरा पांच कोटा कोटि सावकृप